दिवाली पर महालक्ष्मी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि क्या संपत्ति की इच्छा रखना, भोग की इच्छा रखना बुरा है? तब माँ 6 प्रकार से आपके जीवन में आती है। ऐसी ही प्यार की एक कहानी महालक्ष्मी और महाविष्णु के साथ जुड़ी हुई है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। महादेव को प्राप्त करने के लिए, उनके साथ विवाह करने के लिए माँ पार्वती ने बहुत तप किया था। ऐसी ही प्यार की एक कहानी महालक्ष्मी और महाविष्णु के साथ जुड़ी हुई है। एक बार महाविष्णु से रूठकर महालक्ष्मी माँ समुद्र में, यानी कि अपने पिता के पास चली गई थी। माँ महालक्ष्मी के चले जाने से भूलोक से समृद्धि चली गई, ऐश्वर्य चला गया, और सारे देवता को ये एहसास हुआ कि अगर महालक्ष्मी वापस नहीं आई महाविष्णु के पास तो ये समस्त सृष्टि श्रीहीन हो जाएगी, ऐश्वर्यहीन हो जाएगी, समृद्धिहीन हो जाएगी। इसलिए महालक्ष्मी का प्रागट्य, पुनः प्रागट्य बहुत ज़रूरी था। महालक्ष्मी को प्रकट करने के लिए, उनके प्रागट्य के लिए महाविष्णु ने समस्त देवतागण को एकत्र किया। इसके साथ साथ ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वेदव्यास, आनंद, कर्दम, चिकलित जैसे बहुत सारे सिद्ध महात्माओं को भी एकत्र किया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि महालक्ष्मी का प्रागट्य किसी भी तरीके से संभव बने। और तब जाकर समुद्र मंथन का विचार आगे आया। ज़रूरी था कि समुद्र मंथन के दौरान अलग अलग जब निधियाँ निकले, अलग अलग प्रकार के रत्न निकले, तो उन्हें ग्रहण करा जाए और आखिर में जो प्रागट्य होगा वो स्वयं महालक्ष्मी का प्रागट्य होगा। इसके लिए स्वयं भगवान शिव ने भी विषपान किया। तो कहानी ये है कि महालक्ष्मी के प्रागट्य के लिए स्वयं महाविष्णु ने 16 मंत्र का एक श्री सुक्तम पाठ निर्मित किया और ये 16 मंत्र को जागृत करना बहुत ज़रूरी था। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो म आवह ताम म आवह जातवेदो लक्ष्मीम अनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। 16 श्लोक का, 16 मंत्रों का श्री सुक्तम जागृत करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि एक एक मंत्र के ऊपर इतनी तपस्या की जाए कि वो मंत्र जागृत हो जाए और उनसे माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए। लेकिन किसी एक ऋषि या किसी एक देवता के लिए ये बिल्कुल संभव नहीं था। आखिर में समस्त विश्व के जो पालन करता है स्वयं महाविष्णु, उन्होंने आगे आकर 16 मंत्र का जागरण अलग अलग देवता और ऋषि मुनियों को सौंपा। एक एक मंत्र का जागरण होता गया, एक एक मंत्र में ऊर्जा आने लगी और जब समस्त श्री सुक्तम का जागरण हो गया, सारे मंत्र जागृत हो गए, उसके बाद समुद्र मंथन के दौरान महालक्ष्मी के प्रागट्य के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, वो जो रूठी हुई थी उनको मनाने के लिए स्वयं महाविष्णु जी ने श्री सुक्तम का पाठ किया और इसी पाठ की वजह से समुद्र में से वापस महालक्ष्मी का प्रागट्य हुआ और उनका विवाह महाविष्णु से संभव हो पाया। माँ के प्रागट्य का जो सबसे पहला लक्षण है उसके बारे में ललिता सहस्र नाम में बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जो कहता है, महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धि ही महासिद्धि ही महायोगेश्वरेश्वरी। यानी कि जब माँ का प्रागट्य आपके जीवन में होना होता है ना, तब माँ 6 प्रकार से आपके जीवन में आती है। महाभोगा महेश्वर्या, सबसे पहले माँ आपको भोग और ऐश्वर्य देती है। आपने देखा होगा अपने आसपास के समाज में, जब भी कोई माँ अपने संतान के घर जाती है तब कोई ना कोई भेंट लेकर ही जाती है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगी। तो ये हम बात कर रहे हैं आदि पराशक्ति की। तो जब जगत जननी की बात करें तो वो कैसे खाली हाथ अपने भक्त के जीवन में आएंगी? इसी वजह से सबसे पहला लक्षण माँ के प्रागट्य का जो रहता है वो यही रहता है। काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि क्या संपत्ति की इच्छा रखना, भोग की इच्छा रखना बुरा है? नहीं, अगर माँ आपसे प्रसन्न हो रही है तो सबसे पहले आपके जीवन में भोग और ऐश्वर्य ही आएंगे, क्योंकि एक तृप्त इंसान ही अच्छा साधक बन सकता है। और ये बात मेरे गुरु श्री ओम स्वामी स्वयं कहते हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी करोड़ों की संपत्ति, अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था और उसके बाद उन्होंने 30 साल की एज में संन्यास ले लिया। दूसरा जो लक्षण है वो है महावीर्या महाबला, यानी कि आपका समाज में एक स्टेटस क्रिएट होगा,
सारे लोग यही इच्छा रखते हैं कि प्रसिद्धि पाई जाए, पैसा मिले उनको जीवन में। तो ये जो प्रसिद्धि की बात है ना, एक स्टेटस की बात है, तो वो स्टेटस आपको माँ की भक्ति से प्राप्त होगा। फिर भी आप अगर साधना के मार्ग के ऊपर, उपासना के मार्ग के ऊपर बढ़ते चले गए, तो उसके बाद जो एक फेज़ आएगा वो होगा महाबुद्धि। माँ आपको एक सुप्रीम इंटेलेक्चुअलिटी प्रदान करेंगी, आपकी प्रज्ञा इतनी बलवान, इतनी प्रबल हो जाएंगी कि आप अच्छे और बुरे के बीच में बहुत जल्द तफावत कर पाओगे। आपके इंट्यूशंस, आपकी अंतरात्मा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। इसके बाद माँ आपको देंगी महासिद्धि। महासिद्धि यानी सुपरनेचुरल पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स। और काफ़ी बार साधक जब स्पिरिचुअल पावर्स को पा लेता है, प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उसे अहंकार आने लगता है। लेकिन ये 6 फेजेस के थ्रू माँ आपकी वास्तव में परीक्षा ले रही होती है। इस परीक्षा में सुखरूप पूर्ण होने से लास्ट में, मतलब आखिर में, आपको प्राप्त होंगी महायोगेश्वरेश्वरी, यानी कि माँ आदि पराशक्ति स्वयं आपके जीवन में आएंगी। तो कभी भी मन में ये अपराध बोध नहीं रखना चाहिए, कभी भी अपने मन में ये गिल्ट नहीं रखना चाहिए कि ऐश्वर्य की मांग करना, या फिर जब हम पूजा में बैठे हुए होते हैं तब अपने लिए कुछ मांगना बुरा है। नहीं, वो माँ है और माँ अपनी ममता के कारण देना ही चाहती है। आपको सिर्फ सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उनके पास कुछ मांगना होता है। दिवाली पर महालक्ष्मी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि स्वयं भगवान राम माता सीता को लेकर अयोध्या गए थे। तो अयोध्या राज्य से जो श्री चली गई थी, जो एक ऐश्वर्य वहाँ से चला गया था, उनका पुनरागमन हुआ था दिवाली पे। इसी वजह से, क्योंकि माता सीता को महालक्ष्मी का अवतार माना जाता था, और जब उनका आगमन प्रजा के बीच में हुआ, अयोध्या में हुआ, तो ये मान लिया गया कि महालक्ष्मी के प्रागट्य के पीछे ये जो तिथि है वही जिम्मेदार है। और इसी वजह से दिवाली में हम माँ की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप भी हमारे जीवन में समृद्धि लेकर आए, ऐश्वर्य लेकर आए और सुख लेकर आए। कलयुग में हमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से एक प्रश्न जो है वो ये है कि आज की तारीख में भक्ति के माध्यम से, साधना के माध्यम से संपत्ति को कैसे प्राप्त किया जाए, ऐश्वर्य को कैसे प्राप्त किया जाए। और इसी वजह से ऋग्वेद और लक्ष्मी तंत्र में श्री सुक्तम का प्रयोग दिया गया है। और ये माना जाता है कि अगर ऐश्वर्य पाने के लिए आप इसे सच्चे हृदय से इसका पाठ करो, तो महालक्ष्मी की कृपा, उनके आशीर्वाद आपके ऊपर ज़रूर उतरते हैं। और इसी वजह से आपको पूजा के दौरान अगर श्री सुक्तम का पाठ आप करें, और सिर्फ एक पाठ नहीं, एटलीस्ट 11 बार अगर श्री सुक्तम का पाठ किया जाए, लगातार किया जाए, तो इसकी जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हकारात्मक असर है, उस असर के कारण आपके आसपास ऐसी ऊर्जा का निर्माण होगा जो ऊर्जा वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा संपत्तिवान, धनवान बना सकती है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो राज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए। नमस्ते।